नमस्कार, मेरा नाम है सोनी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज। चीन अपने डिटेंशन कैंपों में उइगर मुसलमानों के साथ अत्याचार कर रहा है, उन्हें इलेक्ट्रिक चेयर में से बांधता है, ड्रग देता है, भूखे भी रखता है। इन कैंपों में ऑफिसर्स महिलाओं का बलात्कार करते हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उइगर मुस्लिमों पर चीन में हो रहे अत्याचार पर खुलासा किया गया है। 48 पन्नों की यह रिपोर्ट चीन पर मानवाधिकारों के हनन के गंभीर आरोप लगाती है। चीन के सिनचियांग इलाके में बड़े स्तर पर लोगों को मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया जा रहा है। यहाँ उइगर मुसलमानों की एक बड़ी आबादी रहती है। इन लोगों को हाई सिक्योरिटी फैसिलिटीज यानी डिटेंशन कैंपों में रखा जाता है। ये कब तक यहाँ रहेंगे इसका अंदाजा किसी को भी नहीं होता। चीन इन कैंपों को वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर्स यानी VETCS कहता है कि उसका कहना है कि वो इन्हें कट्टरपंथियों के लिए चलाता है। 2019 में चीनी सरकार ने कहा था कि ये कैंप मामूली केसों में शामिल अपराधियों के लिए बनाए गए हैं और इसमें सिर्फ उन्हीं को रखा जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आतंकवाद के गंभीर या मामूली केसों और चरमपंथी कामों में कोई खास अंतर नहीं है। दोनों ही केसों में आरोपियों के साथ अक्सर एक जैसा व्यवहार किया जाता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस तरह के डिटेंशन कैंपों में बलात्कार और यौन शोषण भी किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस रिपोर्ट के लिए इन कैंपों में बंद रहे कई लोगों का इंटरव्यू लिया। यहाँ उनके साथ हुई चौंकाने वाली घटनाएं लोगों ने बताई है। उन्होंने बताया कि उन्हें टाइगर चेयर पर बांध कर इलेक्ट्रिक बैटन यानी बिजली के डंडों से पीटा गया था। यही नहीं, उन्हें अपने धार्मिक नियमों को मानने की मनाही थी। वे अपनी भाषा में बात भी नहीं कर सकते थे। इसके अलावा उन्हें रेड सॉन्ग गाने याद करने के लिए मजबूर किया जाता था। आपको बता दें, ये चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA की तारीफ करने वाला सॉन्ग है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि चीन के इन डिटेंशन कैंपों में लोगों को भरपेट खाना भी नहीं दिया जाता था। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इन कैंपों में महिलाओं ने यौन शोषण और बलात्कार की बात भी अपने इंटरव्यू में कही है। एक महिला ने अपने इंटरव्यू में कहा कि ये टेस्ट सभी लोगों के सामने किए जाते थे। लोगों के सामने उनके साथ यौन शोषण किया जाता था। लोगों के यहाँ रहने का कोई समय तय नहीं है। हालांकि ज्यादातर लोग औसतन 18 महीने यहाँ बंद रहते हैं। उन्हें अपने परिवार से बात करने की इजाजत भी नहीं होती। वो बाहर की दुनिया से पूरी तरह कट जाते हैं। हालांकि चीन ने हर बार की तरह इस बार भी इन आरोपों को झूठा बताया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि तथाकथित जारी रिपोर्ट अमेरिका और कुछ पश्चिम देशों ने बनाई है, ये पूरी तरह से गैर कानूनी और बेकार है। अब आपको बताते हैं आखिर उइगर मुसलमान है कौन। उइगर मुसलमान तुर्की भाषा बोलने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। उनकी संस्कृति बीजिंग से ज्यादा मध्य एशिया के देशों में से मिलती है। तकरीबन 1.2 करोड़ उइगर मुसलमान चीन के सिनचियांग इलाके में रहते हैं। कुछ उइगर मुसलमानों ने अप्रैल में चीन की सरकार का विरोध किया था। ये लोग पूर्वी तुर्किस्तान बनाना चाहते थे। उनका आरोप है कि चीन उनके धर्म और संस्कृति को बर्बाद कर रहा है। विकास के नाम पर उन लोगों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। उइगर मुस्लिमों पर चीन के अत्याचार का एक बड़ा कारण है सिनचियांग इलाके पर कब्जा बनाए रखना। यह इलाका चीन के व्यापार को पूरी दुनिया से जोड़ता है। साथ ही यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की भरमार भी है। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए वोकल न्यूज के साथ।